जय हिंद मैम। जय हिंद, जय हिंद मोनू, सभी को जय हिंद। वेलकम टू टुडेस क्लास। तो लास्ट टाइम पे हम लोगों ने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का एक टाइप अगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ा था, जिसमें अगर वाज द मेन कंपोनेंट। सो जस्ट आई एम वेटिंग फॉर वन मिनट, अदर्स शुड जॉइन, स्टिल 8 मेंबर्स। टुडे वी विल स्टडी अबाउट द सेकेंड टाइप ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, दैट इज वेरी कॉमन, वी यूज इन द बायोलॉजिकल लैब, मेडिकल लैब्स एंड अदर फार्मास्यूटिकल लैब्स। दिस इज पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। द डिफरेंस इज इंस्टेड ऑफ अग्रोज वी यूज पॉलीएक्रिलामाइड, सो इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड एज PAGE. So the most commonly used form of polyacrylamide gel electrophoresis is the, see, it is important, sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel. So we use sodium dodecyl sulfate here. So in short, it is called as SDS page. It is a type of page, but in which we use sodium dodecyl sulfate. So this is very efficient component of this type of acrylamide gel electrophoresis, used mostly for the separation of proteins. Now against agarose gel electrophoresis, what are different requirements for polyacrylamide gel electrophoresis? First is acrylamide solution फॉर रिजॉल्विंग एंड स्टेकिंग जेल्स। तो जेल्स को बनाने के लिए ये एक्रिलामाइड ही सेडिमेंटेशन और जेल प्रिपरेशन में हेल्प करता है। इंस्टेड ऑफ दैट आइसोप्रोपेनॉल वी कैन प्रिपेयर इन डिस्टिल वाटर टू, बट प्रेफरेबली आइसोप्रोपेनॉल। देन जेल लोडिंग बफर वी नीड, देन रनिंग बफर वी नीड, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बफर्स, रनिंग बफर इन द पॉन्ड और द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस स्पॉट, एंड इट इज नियर द gel loading buffer. Gel loading buffer means we prepare the sample in the buffer and load on the gel comp. Now, fifth is a staining or de-staining solution. Staining for coloring, and de-staining means if color is quite hard or dark, we use de-staining solution. Then the samples we need, and specifically we are using it for proteins, so protein samples that may be separated by the biochemical estimation. Protein ko separate karne ke liye hum log generally Lorry's method use karte hain. तो लॉरीज मेथड से हम इसको सेपरेट कर लेते हैं और उसके बाद इसको यूज करते हैं। तो बायोकेमिकल एस्टिमेशन से हम लोग उसको सेपरेट कर लेते हैं यूजिंग द स्पेक्ट्रोमीटर। मॉलिक्यूलर वेट मार्कर्स, तो जो इसमें हम लोग लेंगे प्रोटीन के, तो प्रोटीन के डिफरेंट मार्कर्स लेंगे हम एज ए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, जैसे हमने डीएनए के लिए लिया था एग्रोज में। ये पिक्चराइज व्यू है, देखिए ये इसमें बहुत क्लियर कट दिखाया है। ये तो कॉम बने हुए, यानी वेल बने हुए कॉम से, ये हटा देते हैं कॉम, और यहाँ पर जब जेल को सेट कर दिया जाता है तो ऊपर डबल प्लेट है, ये एक इनर प्लेट है और एक आउटर प्लेट है,
है ना, तो इनर और आउटर प्लेट के बीच में जेल लगा हुआ है, जिस जो ट्रांसपेरेंट प्लेट है हमको दिखाई दे रहे हैं, दीज आर वेल्स, और माइक्रो सिरिंजेस से हम या माइक्रो पिपेट से यहाँ पर सैंपल लोड करते हैं ये इस जगह पर, और ये जेल है, एनोड और कैथोड है, यहाँ पर पॉइंट्स लगे हुए हैं, ये वर्टिकल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है। देखिए यहाँ पर एक सॉल्यूशन भरा गया है, ये सैंपल लोडिंग बफर है, यहाँ से ये रनिंग करता है और नीचे की तरफ भरा गया ये रनिंग बफर कहलाता है। तो डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन ऑफ एनायन माइग्रेशन फ्रॉम कैथोड टू एनोड, यानी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स मूव टूवर्ड्स द एनोड। तो जितने भी प्रोटीन में नेगेटिवली चार्ज सब्सटेंसेस हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है स्पेसिफिकली, उसी के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर वेट ये मूव करेगा। ये प्रोटीन मिक्सचर दिखाया यहाँ पर हर तरह के, यानी लार्जर मॉलिक्यूल्स, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स और स्मॉलर, ये अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर वेट शो किया गया है। और ये जेल है जो कि पोरस होता है, तो ये इसको ऐसे शो किया है बट इट इज पोरस, और कैपिलरी एक्शन से मूवमेंट होता है। तो यहाँ पर ये सेपरेशन शो किया गया है कि इसमें ऊपर की तरफ बड़े यानी छोटे मॉलिक्यूल्स जल्दी मूव करते हैं बफर से फ्रॉम कैथोड टू एनोड, और नीचे आकर के सेपरेट होते हैं, लार्जर देन दैट सेपरेटेड एट द मिडिल और द मिडिल रीजन, एंड द लार्जर मॉलिक्यूल्स और द लार्जेस्ट मॉलिक्यूल्स ऑफ द प्रोटीन सेपरेटेड अपर। तो ये बहुत अच्छा पिक्चराइज व्यू है जिसको कि हम इजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। Now, what are the different steps involved in PAGE or polyacrylamide gel electrophoresis? First is sample preparation, means if we want to isolate the protein by gel electrophoresis, so we need the sample of the protein that has to be prepared from our sample. So whatever sample, agar hum seed protein lena chahte hai, to leguminous plants ke seeds mein sabse zyada protein hoti hai, to different samples of the legume plants can be taken. और इफ वी आर वर्किंग एक्सपेरिमेंटली, तो जो भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें अगर हमने कुछ बाहर से सप्लाई किया है, बायोकेमिकल्स डाले हैं या हम लोगों ने ग्रोथ रेगुलेटर्स यूज किए हैं, तो उनका इफेक्ट देखना चाहते हैं कि प्रोटीन पे क्या इफेक्ट हो रहा है, तो हम लोग वो प्रोटीन पार्ट, इवन इन द लीव्स इन द प्लांट पार्ट्स, वी कैन सेपरेट द प्रोटीन, और दैट इज कॉल्ड एज सैंपल प्रिपरेशन। सेकेंड इज प्रिपरेशन ऑफ जेल और पॉलीक्रैलेमाइड जेल, तो उसके लिए कंपोनेंट्स है, तो जो कंपोनेंट्स उनको मिला करके जेल के प्रिपरेशन जैसे अग्रोस की थी उसी तरह इसकी करेंगे। देन थर्ड इज द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस, एंड द फोर्थ इज डिटेक्शन ऑफ द सैंपल, उसमें क्या हमको मिल रहा है अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर वेट हम डिटेक्ट करते हैं। ये फोर स्टेप में प्रोसेस कंप्लीट होती है। Now, come to the first step, that is sample preparation. तो sample preparation के लिए हम लोग हमेशा buffer ही use करते हैं, तो TRIS DTT buffer है, तो हम इसका ये process दिखाया कि क्या क्या चीजें इसमें required है हमको, और step by step कैसे करते हैं। तो sample के लिए crushing करना है, HCl use करना है, then distilled water, double distilled water में separation करना है, डाई यूज करना है, ब्रोमोफिनॉल ब्लू अगर हम सैंपल को कलर्ड लेते हैं, तो ये सैंपल बफर है जिसमें हम करते हैं। माइक्रो सेंट्रीफ्यूज, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन से हम माइक्रो सेंट्रीफ्यूज में इस क्रश सैंपल को डालते हैं, और डालने के बाद हम मैकेनिकली सेपरेट कर लेते हैं, जो सेडिमेंट होते हैं उनको थ्रो कर देते हैं, और जो लिक्विड यानी सुपरनेटेंट होता है उसको हम ले लेते हैं, है ना, और उसको सैंपल को एनालाइज कर लेते हैं। तो निकालने के लिए ये सैंपल प्रिपरेशन, अब हमारा सैंपल जो है वो माइक्रो फ्यूज में, माइक्रो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स होती है उनमें सेपरेट होकर के तैयार हो जाता है। तो ये एक सिंप्लीफाई करके बताया कि हाउ टू प्रोसेस। नाउ सी द स्टेप्स, द सैंपल मे बी एनी मटीरियल कंटेनिंग प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, वी कैन ऑल्सो सेपरेट द न्यूक्लिक एसिड बट इट इज एफिशियंट फॉर प्रोटीन्स। द सैंपल टू एनालाइज इज ऑप्शनली मिक्सड with the chemical denaturant if so desired, usually SDS already बता चुके हैं for proteins और urea for nucleic acids। हम लोग SDS use करते हैं protein के लिए और urea use करते हैं nucleic acid के लिए for the separation। SDS is an anionic detergent that denatures secondary and non-disulfide linked tertiary structures of protein and additionally applies a negative charge to each protein in proportion to its mass। अब उसमें नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स यानी उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप हाईलाइट हो जाता है यानी सेपरेट होकर के ओपन शो एरिया शो करता है ताकि वो एनायन से कैटायन से एनायन की तरफ मूव कर सके। यूरिया ब्रेक्स द हाइड्रोजन सल्फाइड बॉन्ड्स बिटवीन द बेस पेयर्स ऑफ द न्यूक्लिक एसिड्स कॉजिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट स्ट्रैंड टू एनील। हीटिंग द सैंपल्स
to at least 60 degree Celsius further promotes denaturation. हमें अब क्या क्या सेपरेशन है, लिग्निन सेपरेशन करना है या denaturation के लिए ले जाना है, ताकि denaturation करने पर हमें negatively charged particles मिल जाए. A tracking dye may be added to the solution. डाई ब्रोमोफिनॉल यूज करते हैं, इसलिए यूज करनी जरूरी है कि हमें पता रहे कि प्रोटीन हमारे सैंपल में है. दिस टिपिकल हैज अ हायर इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी देन द एनालाइट्स टू अलाउ द एक्सपेरिमेंटर टू ट्रैक द प्रोग्रेस ऑफ द सॉल्यूशन थ्रू द जेल ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोफोरेटिक रन. जब हम रन कराएं तो वो डाई हमें हेल्प करती है ये देखने के लिए कि हाँ हमारे सैंपल आगे की तरफ मूव कर रहे हैं. तो इट इज वेरी एफिशिएंट डाई टू स्टे इन द प्रोटीन. Now, second is preparation of polyacrylamide gel. This is gel caster, जो हम लोग सेट करते हैं जेल तैयार करने के लिए. जेल तैयार करने के बाद हम लोग जेल का पहले वो मटेरियल तैयार कर लेते हैं, है ना. फिर सेपरेटिंग जेल सॉल्यूशन, इसमें जेल सॉल्यूशन उसको सेपरेट कर लेते हैं. सेपरेट करने के बाद हम लोगों ने जब ये सेट किया हुआ है एपरेटस, इसके बीच में हम लोग जेल डाल देते हैं. ये जेल हम कास्टर में डाल देंगे कोई एपरेटस में. और ये जेल डालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जब ये तैयार हो जाएगा तब हम इसमें स्टेकिंग जेल सॉल्यूशन को फिल करके, और जरूरत है आइसोप्रोपेनॉल यूज करते हैं इसको लिक्विफाई करने के लिए. और यहाँ पर जब ये पूरा फिल हो जाएगा जेल, देखिए बार बार कई बार करना पड़ता है, एक बार में नहीं होता है, तो जब जब जरूरत है उतना जेल फिल कर देते हैं. और यहाँ तक आने के बाद हम इसमें कॉम सेट कर देते हैं. ये कॉम सेट करने के बाद जेल को छोड़ देते हैं ताकि वो जेली फॉर्म में उतने टेम्परेचर तक तैयार हो जाए. अब ये आपका पॉलीएक्रिलामाइड जेल तैयार हो गया है. अभी वो किसके बीच में है, ये जो हम लोगों के पास कास्टर है, कास्टर मीन्स प्लेट्स होती हैं जिनको इसमें सेट किया जाता है. जेल तैयार हो गया, अब इसके बाद हम कॉम्ब को निकाल लेंगे और इसको आगे इसमें सैंपल लोड करेंगे. तो इस तरह से हम इसको एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में प्रिपेयर करते हैं. द जेल्स टिपिकली कंसिस्ट ऑफ एक्रिलामाइड, बिसैक्रिलामाइड, द ऑप्शनल डीनेचुरेंट SDS और यूरिया. अगर हम प्रोटीन कर रहे हैं तो SDS लेंगे और नहीं तो सॉरी वी विल टेक यूरिया एंड ए बफर विद एन एडजस्टेड pH. द रेशियो ऑफ बिसैक्रिलामाइड टू एक्रिलामाइड कैन बी वेरीड फॉर स्पेशल पर्पस बट इज जनरली अबाउट 1:35, है ना. ऐसे लेते हैं कि दोनों लेते हैं तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा, 1 बिसैक्रिलामाइड और 35 में 1 होगा और 34 पार्ट होगा ये. The acrylamide concentration of the gel can also be varied generally in the range from 5% to 25%. तो हम इसको acrylamide की concentration को भी vary कर सकते हैं जो कि 5 से 25% according to our need purpose. The lower percentage gels are better for resolving very high molecular weight molecules, while much higher percentage of acrylamide are needed to resolve smaller proteins or smaller molecular weight proteins. तो हम लोग ये ध्यान में रखेंगे, low percentage high molecular के लिए जरूरी है. बहुत high पे low, अगर हम high percentage लेते हैं तो high molecular protein को separate करना थोड़ा मुश्किल होता है. तो उसी के according हम लोग percentage तैयार करते हैं. Now, gels are usually polymerized between two glass plates in a gel caster, जो अभी मैंने diagrammatically दिखाया था. तो दो glass plates हैं, उनको clip से set कर दिया जाता है, उनके बीच में एक distance created होता है जितनी thickness की हमें gel बनानी होती है, तो वो gel caster कहलाता है. उसके बीच में हम लोग jelly form डालते रहते हैं, वो liquefied होता है, ज्यादा liquefied होता है, जो बाद में gel like convert हो जाता है after cooling and dry. Now with a comb inserted at the top to create a sample wells. Well बनाने के लिए हम लोगों ने last में comb लगाया था. After the gel is polymerized, polymerization का मतलब क्या होता है, cooling and setting of the gel. The comb can be removed and the gel is ready for electrophoresis. तो last में जो एकदम last diagram था इसका, तो वो क्या show कर रहा था कि जो हमने prepare किया है gel, उसमें से comb को remove कर दिया है. So this is the picturized view. I think clearly visible. देखिए ये टैंक है जिसमें हम लोगों ये पूरा कास्टर रखेंगे अपना, है ना. और जेल कास्टर जो है, जेल कास्टर है, कैसेट लिखा हुआ है, तो कैसेट भी कह सकते हैं क्योंकि बिकॉज इट इज स्क्वायर शेप. तो ये टैंक है जिसमें हम लोग बर्निंग बफर भरेंगे, इसमें हम लोग ये कास्टर रखेंगे अपना पूरा, है ना, चैम्बर के अंदर.
जिसमें कि ये कास्टर सेट कर देते हैं। तो ये पूरा देखिए वन बाई वन दिखाया है कि जेल कास्टर को यहाँ लगाना है, इसमें क्लिपिंग करना है और फिर टैंक में रखना है। और ये प्रिपेयर्ड है, देखिए एक तरफ एनोड एक तरफ कैथोड, इट इज कनेक्टेड टू द इलेक्ट्रिक सप्लाई। ये हम लोग का रनिंग जेल है। और जो कास्टर है इसमें ऊपर की तरफ स्पेस क्रिएटेड होती है ना, तो उसमें भरा जाता है। तो हम एनोड बफर को लेफ्ट हैंड साइड पे और जो हमारा बफर सॉल्यूशन फॉर जेल है उसको हम ऊपर भरते हैं, जिसको कैथोड बफर कहते हैं। तो ये दो बफर, एनोड बफर टैंक में और कैथोड बफर ऊपर की तरफ प्लेस प्रोवाइडेड होती है, वहां डाला जाता है। अब ये तैयार हो गया, अब हमें इसमें क्या करना है, लोडिंग करना है। तो वेल में वो इतना भी नीचे है, स्पेस क्रिएटेड है। अब अपने सैंपल को हम इसमें माइक्रो सिरिंजेस की हेल्प से लोड कर देते हैं। देखिए ये ब्लू कलर का दिखाया है बिकॉज ब्रोमोफिनॉल ब्लू कलर डाई इज देयर। तो ये प्रोटीन सैंपल्स हैं जो कि ब्लू कलर ले लेते हैं। अब जैसे ये एक में लोड किया है तो एक में दिखाया है, हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट में स्टैंडर्ड लोड करते हैं है ना, और बाकी में अपने सैंपल लोड करते हैं। तो फर्स्ट को हम लोग स्टैंडर्ड और स्टेयर कहते हैं, स्टैंडर्ड स्टेयर और प्रोब कहते हैं, और बाकी में हम सैंपल लोड करते हैं। चूंकि इसमें एक ही लोड किया है तो वन में आगे तक दिखाया है। अब इसको कनेक्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिक सप्लाई से, और स्टैंडर्डाइज टाइम जो भी हर जेल के लिए प्रेस्क्राइब्ड होता है कि एक जेल ये स्टैंडर्ड साइज का है, इसके लिए लगभग 20 to 25 minutes और मोर 20 मिनिमम होता है इसका। तो हमारे स्टैंडर्ड जेल के हिसाब से हम इसको सेट कर देते हैं टाइमर और वो पावर सप्लाई, और नहीं तो इसको रेगुलरली वॉच करना पड़ता है। और ये जो है ये स्टेबलाइजर टाइप होता है ताकि ये 220-225 मेंटेन रखे, जो कि स्टैंडर्ड चाहिए हमें। उससे ज्यादा होने पर पावर सप्लाई जेल ब्रेक कर सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, कम होने पर रनिंग डिस्टर्ब हो जाएगी। और कंटिन्यूअस पावर सप्लाई चाहिए, ऐसा नहीं कि लाइट चली गई ये बंद हो गया। तो ये इन्वर्टर से कनेक्टेड होना चाहिए ताकि स्विच ओवर होके इन्वर्टर पे आ जाए। तो ये हमेशा इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूअस सप्लाई चाहिए। इसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाता है, हमें दिखाई देता रहता है ना ब्रोमोफिनॉल वाली जो प्रोटीन्स है वो नीचे तक पहुंच गई, तो हमें पता लग रहा है वो लास्ट तक आ गई। इसके बाद हम लोग उसको अलग कर देंगे और कास्टर से इसको निकाल करके ड्राई होने के लिए रख दिया जाता है ताकि इसमें से बफर सॉल्यूशन निकल जाए। और तब हम इसको धीरे से लिटा करके मीन्स हॉरिजॉन्टल रख के ओपन करते हैं, केयरफुली जेल को उठाया जाता है प्लेट के साथ और तब एनालाइज किया जाता है। तो ये इलेक्ट्रोफोरेसिस का है। देखिए यहाँ पर ये शो किया गया है, तो ये सेपरेशन हो रहा है क्योंकि एक ही जगह भरा था वेल में, सभी में भरेंगे। तो ये लेडर आ गई हमारी प्रोब की और यहाँ पे सैंपल होगा, तो कहाँ कहाँ सैंपल सेपरेट होगा हम उसको स्टैंडर्ड से एनालाइज कर लेंगे। वो कंटिन्यूएशन में इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रोसेस है। वेरियस बफर सिस्टम्स आर यूज्ड इन पेज डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सैंपल एंड द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जेक्टिव। The buffers used at anode and cathode may be the same or different. Same भी हो सकते हैं cathode anode और different भी हो सकते हैं according to requirement. An electric field is applied across the gel, causing the negatively charged proteins or nucleic acids to migrate across the gel away from the negative and towards the positive electrode. As told earlier, depending on their size, each biomolecule moves differently through the gel. Smaller molecules more easily fit through the pores in the gel, while larger ones have more difficulty. So smaller molecular weight or smaller protein samples move easily and go down and separated at the base of the gel. The gel is run usually for a few hours through the Though this depends on the voltage applied across the gel, जो मैंने already बताया ये voltage पे depend करता है कि कितना time लगेगा, but at least minimum 20 minutes for one sample or more, that few hours, 1 hour, 2 hour, 3 hour, तो ये standardize करना पड़ता है। और already दिया भी होता है, कुछ लोगों ने किए हुए experiments तो बताते हैं कि इस तरह के samples में इतने hours का run चाहिए। और दूसरा ये मैंने अभी बताया, voltage अगर constant है, up down नहीं हो रही है और हमने प्रॉपर स्टेबलाइजर यूज किया है और कंटिन्यूअस सप्लाई हमें मिल रही है, तो वो स्टैंडर्ड टाइम यूज किया जाता है। द नेक्स्ट इज आफ्टर द सेट अमाउंट ऑफ टाइम द बायोमोलिक्यूल्स विल हैव माइग्रेटेड डिफरेंट डिस्टेंसेस बेस्ड ऑन देयर साइज। स्मॉलर बायोमोलिक्यूल्स ट्रेवल फार्दर डाउन द जेल,
व्हाइल लार्जर वंस रिमेन क्लोजर टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, जहां से हमने लोड किया उसको पॉइंट ऑफ ओरिजिन कहते हैं, तो लार्जर मॉलिक्यूल्स उसी के पास पास सेपरेट होंगे, उससे बड़े उससे नीचे, उससे छोटे उससे नीचे, उससे छोटे उससे नीचे, और सबसे छोटे बायो मॉलिक्यूल्स स्मॉलर मॉलिक्यूल्स जेल के डाउन पे बेस पे सेपरेट होंगे। बायो मॉलिक्यूल्स मे देयरफॉर बी सेपरेटेड रफली अकॉर्डिंग टू द साइज व्हिच डिपेंड्स मेनली ऑन मॉलिक्यूलर वेट, ऑलरेडी टोल्ड यू, अंडर डीनेचरिंग कंडीशन, बट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन हाई ऑर्डर कॉन्फर्मेशन अंडर नेटिव कंडीशन। सो हम लोग तो डीनेचर प्रोटीन ले रहे हैं, ऑलरेडी सैंपल को डीनेचर करके तैयार किया एस डी एस और यूरिक एसिड से, अगर प्रोटीन है तो हमने एस डी एस यूज किया है, न्यूक्लिक एसिड के लिए हम लोगों ने यूरिक एसिड यूज किया है। नाउ कमिंग टू द लास्ट स्टेप, दैट इज डिटेक्शन। फॉलोइंग इलेक्ट्रोफोरेसिस द जेल मे बी स्टेन्ड फॉर प्रोटीन्स, most commonly with the comassive brilliant blue or auto radiography can be used for nucleic acid ethidium bromide or for silver stain also can be used, either this or that, allowing visualization of the separated proteins or processed further. इसको हम western blotting technique भी कहते हैं, जिसमें कि हम लोग brilliant blue और या autograph radiography के लिए ले जाते हैं तो dye use करते हैं। ऑटो रेडियोग्राफी में यूजुअली वी यूज अल्ट्रावायलेट रेडिएशन टू ऑब्जर्व द पैचेस और सेपरेशन ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड्स। आफ्टर स्टेनिंग डिफरेंट स्पीशीज बायोमोलिक्यूल्स अपीयर एज डिस्टिंक्ट बैंड्स विद इन द जेल। इट इज कॉमन टू रन मॉलिक्यूलर वेट साइज मार्कर ऑफ नोन मॉलिक्यूलर वेट इन द सेपरेट लेन, जो मैंने अभी बताया स्टेयर बना लेते हैं या प्रोब कहते हैं जिसको, या स्टैंडर्ड मार्कर इन द जेल टू कैलिब्रेट द जेल एंड डिटरमाइन अप्रोक्सीमेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन बायोमोलिक्यूल्स बाय कंपेयरिंग द डिस्टेंस ट्रेवल्ड रिलेटिव टू द मार्कर। तो हम लोग जो मार्कर स्टैंडर्ड ले रहे हैं उसी से कंपेयर करके प्रोटीन के सैंपल या न्यूक्लिक एसिड के सैंपल्स को एनालाइज कर सकते हैं। Then principle of polyacrylamide gel electrophoresis. SGS page or polyacrylamide gel electrophoresis is an analytical method used to separate components of a protein mixture based on their size. So basically the principle based on the separation according to size. The technique is based upon the principle that a charged molecule will migrate in an electric field towards an electrode with opposite sign. Means negatively charged to positively charged cathode, anode. It moves from cathode to anode, means negative to positive. The general electrophoresis technique cannot be used to determine the molecular weight of the biological molecules because the mobility of a substance in the gel depends on both charge and size. क्योंकि केवल हम मॉलिक्यूलर वेट ही नहीं डिटरमाइन करते, बिकॉज द पार्टिकल्स मूव अकॉर्डिंग टू देयर चार्ज एंड साइज बोथ, सो we can analyze the negatively charged particles. Now different applications of PAGE, first measuring molecular weight, second peptide mapping. Peptide mapping means peptide according to peptide bond or molecular size they separate, estimation of protein size, determination of protein subunits or aggregation structures, then estimation of protein purity, मतलब हम इसको प्योरीफाई करके सेपरेट कर सकते हैं और फिर वो पैचेस को निकाल लेते हैं जेल में से और क्वांटिफिकेशन भी कर लेते हैं इसका। देन नेक्स्ट इज द प्रोटीन क्वांटिटेशन, तो हम लोग क्वांटिफिकेशन या क्वांटिटेशन ऑफ प्रोटीन कैसे करेंगे, हम जेल के उन पीसेस को निकाल करके बायोकेमिकली स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से एनालाइज करेंगे। मॉनिटरिंग प्रोटीन इंटीग्रिटी मीन्स यूनियन ऑफ प्रोटीन, लार्जर मॉलिक्यूल्स आर देयर सो इनकी इंटीग्रिटी को भी हम एनालाइज कर सकते हैं। नाउ कंपैरिजन ऑफ द पॉलीपेप्टाइड कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट सैंपल्स, हम डिफरेंट सैंपल्स में पॉलीपेप्टाइड का कंपोजिशन भी कंपेयर कर सकते हैं। अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ पेज, वन इज एसडीएस पेज, ऑलरेडी टोल यू, सोडियम डाइऑक्साइड सल्फेट पेज और नेटिव पेज, ये दो तरह की पेजेस को यूज किया जाता है। एसडीएस पेज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी एक बार फिर से देख लें कंपेयर करने के लिए, क्योंकि कंपैरिजन आ सकता है शॉर्ट आंसर में। अ वेरी कॉमन मेथड फॉर सेपरेटिंग प्रोटीन्स बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज्ड एज डिसकंटीन्यूअस पॉलीएक्रिलामाइड जेल एज ए सपोर्ट मीडियम,
and sodium dodecyl sulfate is used to denature the proteins. The method is called sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis. इसीलिए इसको हम SDS कहते हैं क्योंकि इसमें basically हम denaturation के लिए SDS use करते हैं. Now about native page. Native page को हम लोग charged native page भी कहते हैं commonly referred as native page. Separates acidic, water soluble and membrane protein in a polyacrylamide gradient gel. इसमें specific proteins का separation किया जाता है. जैसे हम क्या कर सकते हैं, water soluble या membrane proteins को इसमें analyze कर सकते हैं, separate कर सकते हैं. It uses no charged dye, so the electrophoretic mobility of protein in CN page in contrast to the charge shift technique BN page. Binary native page कहते हैं जिसमें कि हम लोग charge लेते हैं, और ये charge native page में हम लोग electrophoretic mobility के आधार पर लेते हैं जिसमें कि charge dye use नहीं करते. Is related to intrinsic charge of the proteins. So ये इससे intrinsic charge of the proteins है, जो कि कहाँ होती है intrinsic extrinsic protein, membrane में present होती है, तो हम specifically उसके लिए इसको use करते. Now, what are different advantages of gel electrophoresis using polyacrylamide? First is a stable chemically cross-linked gel. And it is a stable, then greater resolving power. It has more resolving power as compared to the agarose gel. Sharp bands milte hain isme. It can accommodate larger quantities of DNA without significant loss in the resolution. Isme hum log ज्यादा क्वांटिटी ऑफ डीएनए को भी लोड करके सेपरेट कर सकते हैं. द डीएनए रिकवर्ड फ्रॉम पॉलीएक्रिलामाइड जेल इज एक्सट्रीमली प्योर. ये प्योर फॉर्म में, इवन प्रोटीन इज आल्सो इन प्योर फॉर्म, लेकिन महत्व चूंकि बाइंड फॉर्म है तो डीएनए से हम लोग डीएनए जो सेपरेट करते हैं वो काफी प्योर फॉर्म में इसमें आ जाता है. तो ये टेक्निक इज वेरी एफिशियंट फॉर सेपरेटिंग द डीएनए. The pore size of the polyacrylamide gel can be altered in an easy and controllable fashion by changing the concentration of two monomers. Two monomers हम लोगों ने जो use किए थे, है ना, bisacrylamide और acrylamide, है ना, 1:35 में 1:1 हम लेते हैं bisacrylamide का. इन दोनों की concentration को 1 की जगह 2, 3, 4 लिया जा सकता है, तो pore size को भी vary किया जा सकता है. 1 कंसेंट्रेशन लेंगे तो छोटा साइज आएगा बिस का, बिसैक्रिलामाइड का, और जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे कंसेंट्रेशन 35 मॉलिक्यूल्स में, वैसे वैसे पोर साइज बढ़ता जाएगा. इट इज गुड फॉर सेपरेशन ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट फ्रैगमेंट्स. तो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड दोनों के ही लो मॉलिक्यूलर वेट फ्रैगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए यूज किया जा सकता है. तो इतनी एडवांटेजेस हैं इसकी. बट देयर आर सम डिसएडवांटेजेस आल्सो ऑफ पेज. Generally more difficult to prepare and handle, involving a longer time for preparation than agarose gel. क्योंकि polyacrylamide gel को prepare करने के लिए थोड़ा ज्यादा समय लगता है, इसके sedimentation और कहना चाहिए कि polymerization में ज्यादा समय लगता है, जबकि अगरोज इजीली प्रिपेयर हो जाता है. दूसरी, जो अगरोज के कंपोनेंट्स हैं वो लेस टॉक्सिक या टॉक्सिक नहीं भी होते हैं, पर इनमें ये जो एक्रिलेमाइड है वो टॉक्सिक मोनोमर है. तो ये ध्यान रखते हुए ग्लव्स पहन करके और केयरफुली यूज करना पड़ता है इसको. और इसके अलावा डाई भी जो है, ब्रोमाइड डाई भी हमारे लिए टॉक्सिक हो सकती है, तो उसको भी यूज करने के लिए बहुत प्रिकॉशन लेनी पड़ती है. जेल्स आर टीडियस टू प्रिपेयर एंड ऑफन लीक. कभी कभी क्या होता है कि जब हमने, एक तो टाइम भी ज्यादा लगा, लेकिन कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी डिफ्रेंसिएशन में ये हीटअप होकर के लीक कर जाता है. कभी कभी जो सैंपल लोड किया है वो जेल में राइट लेफ्ट लीकेज हो जाती है इसमें, क्योंकि पोर साइज पे डिपेंड करता है. अगर प्रॉपरली सेडिमेंट नहीं हुआ होगा, पॉलीमराइजेशन नहीं हुआ होगा, तो लीक हो जाता है. एंड नेक्स्ट इज, नेक्स्ट डिसएडवांटेज, नीड न्यू जेल फॉर ईच एक्सपेरिमेंट. स्टेबल केमिकली क्रॉस लिंक जेल, तो हर बार नया जेल बनाना पड़ता है इसमें. अगरोज जेल को हम शायद वॉश करके फिर से भी यूज कर सकते हैं. सो थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स. जय हिंद टू ऑल. एंड दिस इज द सीनरी बिहाइंड थैंक्स इज नैनी लेक. नैनीताल में जो सबसे बड़ी लेक है, कलीताल मल्लीताल, दो एंड्स हैं उसके, एक में शैलो है एक में डीप है पानी. तो ये वही लेक है पीछे से, और इसका ये पिक्चराइज सेल्फ कैप्चर्ड पिक्चर है, तो मैंने इसको यहाँ लोड किया है आपके लिए जस्ट टू व्यू दैट. थैंक यू सो मच. सो आई थिंक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्लियर हो गया होगा. मैं इसका PDF आपको सेंड कर दूंगी, और ये दोनों तरीका नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट आपका जाएगा.
पीएच मीटर के बाद, पीएच मीटर हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट, और उसके बाद अब इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में दोनों का प्रोटोकॉल आप लिखेंगे उसमें से, अग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और पेज का, इसके यूजेस एडवांटेज डिसएडवांटेज तक। तो प्रैक्टिकल कॉपी में तैयार कर लेंगे इसको, क्योंकि पॉसिबल है कि प्रैक्टिकल आपका असाइनमेंट्स के आधार पे हो, इसीलिए आप लोगों को डॉक्टर राघव ने स्पेशल पेपर के लिए असाइनमेंट सेंड कर दिए हैं सबको। तो किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, यू मे आस्क, यू आर फ्री टू आस्क रिगार्डिंग असाइनमेंट्स, यू कैन आस्क। और ये जो आपके बाकी तीन पेपर के बेस पे जो प्रैक्टिकल होगा, तो आपकी प्रैक्टिकल कॉपीज और वाइवा के बेस पे मोस्ट प्रोबेबली आपका प्रैक्टिकल लिया जाएगा, डिपेंडिंग ऑन ऑल। इसलिए प्रैक्टिकल के लिए कितना बुलाते हैं, क्या कराते हैं, आई डोंट नो, अभी पता लगेगा धीरे धीरे। कुछ व्यूज आ रहे हैं यूनिवर्सिटी से, जैसे ही मीटिंग होगी वी विल शेयर। यस मोनो, यू वॉन्ट टू आस्क समथिंग? आप लोग पूछ सकते हैं। देखिए असाइनमेंट के लिए लिखा भी है राघव सर ने, आप लोग क्या करेंगे, आप लोग ऐसा पेज ले सकते हैं जैसे आप लोग प्रैक्टिकल फाइल तैयार करते हैं, ऐसे पेजेस लेके भी प्रोजेक्ट सबमिट कर सकते हैं, या आप लाइन पेज ले सकते हैं और बीच बीच में डायग्राम्स। हाँ बोलो बोलो मैम, वो जो क्लासमेट वाली पेज आती है A4 साइज वाली, हाँ ले सकते हैं क्लासमेट के A4 साइज, अगर एक साइड लाइंड और एक साइड प्लेन मिल जाए, क्योंकि एक ही साइड लिखना है आपको, दोनों साइड नहीं लिखना है, तो एक साइड लाइंड और एक साइड प्लेन होगा तो डायग्राम बना सकती हैं, या डायग्राम बना करके उस पर पेस्ट कर सकती हैं। और अगर किसी के पास प्रिंटर की फैसिलिटी हो तो आप डायग्राम डाउनलोड करके भी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अब आपको करना क्या है, जब आप हैंडराइटिंग में तैयार करेंगे, आप हैंडराइटिंग में डायग्राम बना लीजिए तो चैप्टर भी तैयार हो जाएगा आपका, उससे फायदा रहेगा आपको। और करेंगे क्या, उसका फोटो अच्छे से बिल्कुल सीधा फोटो तैयार करके फोटो खींचेंगे, उसको एडिट कर लेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाए, उसका PDF तैयार करेंगे और PDF सेंड कर देंगे, पेज नंबर होने चाहिए क्लियरली उसमें, है ना। अब फ्रंट पेज के लिए आप क्या करेंगे, फ्रंट पेज के लिए अगर आपके मोबाइल में फैसिलिटी है कि आप टाइप कर सकते हैं, तो मैं आपको कुछ पैटर्न भेजूंगी फोटो खींच करके। पहला पेज यानी फर्स्ट कवर पेज का, टाइटल पेज का, उसको आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर लीजिएगा, लेकिन टाइप तैयार करेंगे तो अच्छा लगेगा, लिख करके भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसी फैसिलिटी हो, है ना, दैट इज चॉइस ऑफ योर्स। और उसके बाद मैं भेजूंगी, उसके बाद एक कंटेंट का पेज आपको बनाना है, उसके बाद एक्नॉलेजमेंट बनाना है आपको, है ना। तो मैं आपको सीक्वेंस में ये फर्स्ट 3 पेजेस हैं, और उसके बाद लास्ट में आप कॉन्क्लूजन लिखेंगे और रेफरेंसेस लिखेंगे, जैसे हम हमेशा तैयार करते हैं अपना सेमिनार टॉपिक भी, और बीच में कंटेंट रहेगा आपका 15-20 पेजेस मैक्सिमम लेके जाइएगा, अगर आप बहुत तैयार करते हैं तो 15 पेज भी बहुत है, 15 पेज का मतलब एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, है ना। तो हम ये तैयार करें कि उस चैप्टर के एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आ जाए और एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हमारे पास आ जाए, तो हम लोग कोशिश ये करें कि इस तरह से प्रिपेयर करें। और बाकी मेरा टॉपिक है कैंप 5 पे और उसका सिग्निफिकेंस। ओके, तो कैंप 5 पे मतलब डिटेल पूरा लिख के उसके बाद, हाँ, उसके कैंप 5 पे का मतलब C4 पाथवे हो गया, ग्रैसिलेशन एसिड मेटाबॉलिक पाथवे है, तो आप उसके बारे में पहले इंट्रोडक्शन देंगे, फिर उसके बाद इसी तरह कंटेंट भी अरेंज करेंगे, पहला इंट्रोडक्शन, फिर अबाउट कैंप पाथवे, फिर उसके डायग्रामेटिक व्यू, फिर उसके बाद उसका इम्पोर्टेंस प्लांट में क्या क्या है, वो नंबर 1, 2, 3, 4 इंडेक्स आ जाएगी आपकी, किस पेज से किस पेज तक क्या आया है वो लिख देंगे। उसी तरह से मैं आपको एक सैंपल भेज दूंगी, मेरे पास है घर में एक सैंपल, तो मैं उसको तैयार फोटो खींच के आपको भेज देती हूँ, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको अरेंज कर लीजिएगा। और लास्ट में कंक्लूजन एंड रेफरेंसेस, मान लीजिए बुक अवेलेबल है तो बुक का नाम दे सकते हैं, या ऑनलाइन ले रहे हैं तो ऑनलाइन रेफरेंसेस, कम से कम 4-5-6 रेफरेंसेस देंगे, उससे क्या होगा हमारा चैप्टर भी तैयार हो जाएगा, है ना। और छोटी छोटी चीजों को पढ़ते रहेंगे कि अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें हर छोटी डिटेल को हर बच्चा लेगा, और ये जो PDF आप तैयार करेंगे ये ग्रुप पे शेयर करेंगे, तो हर बच्चे के पास हर एक के नोट्स मिल जाएंगे, राइट। तो हम लोग PDF बना करके आप मुझे भेजेंगे तो मैं ग्रुप पे, या फिर आप सीधे ग्रुप पे शेयर कर दीजिए तो मेरे और राघव सर दोनों के पास आ जाएगा वो कंटेंट,
और आपके पास रहेगा ही, आपके मोबाइल में भी रहेगा और एक हार्ड कॉपी आपके पास रहेगी, अगर प्रैक्टिकल होता है तो हार्ड कॉपी जमा कर दीजिएगा और मोबाइल में आपके पास पीडीएफ रहेगा ही रहेगा, और उसी के आधार पर हम आपके मार्क्स दे देंगे, पहले से ही दे देंगे ताकि जो चीज होगी वो तैयार रहेगी। तो अब आपकी स्किल है यहाँ पर, आप लोग कोशिश करिए, आज 3 तारीख है और कोशिश करके 3 दिन 23 दिन 20 दिन बहुत है आपके लिए, 25 तक चलिए, मैक्सिमम डेट है 25 जून, उससे पहले आप हमें भेज देंगे, ठीक है? इतना दिन तो बहुत है, आप तैयार कर लेंगे अपना अपना टॉपिक, सब लोग शेयर कर देंगे, सबके पास नोट्स आ जाएंगे तैयारी के लिए। तो मैंने कोशिश की है कि आपके सारे टॉपिक कवर किए जाएं और आप लोग इनको तैयार कर लीजिए, किसी को कोई जरूरत होगी तो सर ने ऑनलाइन बहुत सारे टॉपिक डाले हुए हैं JSU की साइट पे, यू कैन गो देयर एंड यू कैन सिलेक्ट फ्रॉम देयर एंड यू कैन प्रिपेयर, देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन हैंड राइटिंग में कंटेंट होना चाहिए ताकि आपके नोट्स तैयार हुए ये पता लग जाएगा। ओके, एनीथिंग एल्स यू वॉन्ट? निर्मा के यहाँ कुछ कनेक्टिविटी इशू है, वो 3-4 बार एग्जिट हुई है। ओके, फिर भी आप लोग, अब ज्यादा लोग जुड़ रहे हैं, पहले 12-13 थी, और अभी जिनका टॉपिक बचा हुआ है वो प्लीज मुझे तैयार करके सेंड कर दें ताकि मैं आगे के सेमिनार्स कंडक्ट कर सकूं। हम लोग हर पेपर को टच करते रहें, पढ़ते रहें ताकि समय आने पर एग्जामिनेशन को अच्छे से परफॉर्म कर सकें। ओके, तो टाइम इज गोइंग आउट, जय हिंद टू ऑल, ओनली 1-2 मिनट्स आर लेफ्ट, किसी को कुछ पूछना भी 2 मिनट है, यू मे आस्क, 2 मिनट 49 सेकेंड। यस निर्मा बोलो। आवाज नहीं आ रही, व्हाट्सएप पे लिखना। मोनू समझ में आया? मिथलेश अपना टॉपिक सेंड करो बना के, बोलो। जी मैम अभी कंप्लीट नहीं है। अच्छा कंप्लीट कर लो और मुझे सेंड करो, समझ में आ रहा है जो पढ़ रहे हो? ये तो कई दिनों से क्लास नहीं किए हैं तो पढ़ नहीं रहे। नहीं पढ़िए, अभी एग्जाम तो होना ही है तुम लोगों का, और लोगों से शेयर ले लो क्या क्या पढ़ाया गया है, और प्रैक्टिकल पार्ट भी आप लोग, अब तो दुकानें खुलने लगी हैं आसपास की, हमारे यहाँ तो काफी खुल गया है यहाँ पे शहर में, आप लोग प्रैक्टिकल कॉपी जिन्होंने नहीं ली है वो ले लेंगे, किसी तरह केयरफुली आएंगे प्रिकॉशन लेते हुए, और लेकर के उसको बनाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि टाइम का पता नहीं है, बीसी मैम बस लगी हुई है कि आप लोगों का एग्जाम किसी तरह कंडक्ट कराएं। चलिए ठीक है, ओके। अभय भी जुड़े हैं, अभय आप भी बोलिए, आज तीनों बच्चे जुड़े हैं हमारे, मोनू मिथलेश अभय, अभय बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए अभय, और बताइए पापा की तबीयत कैसी है? मैम अब ठीक है, ठीक है, घर आ गए हैं? हाँ चलिए, ध्यान रखिएगा, है ना, अपना भी, सबका ध्यान रखिए और पढ़ाई भी करते रहिए थोड़ा थोड़ा, ठीक है? क्योंकि देखिए कंपलसरी हम लोग बहुत प्रेशर तो किसी पे नहीं डाल सकते, मुझ पे भी प्रेशर आ रहा है तो मुझे भी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन आप लोगों के साथ जुड़ करके एक मेंटल स्ट्रेस करीब करीब 70-80% रिमूव हो गया है जो हम लोग परेशान थे, और आप लोगों की आवाज सुन लेते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप भी लोग तो बच्चे हो हमारे। चलो ऑल द बेस्ट, जय हिंद टू ऑल। जय हिंद मैम, थैंक यू, थैंक यू मैम, खुश रहिए, खुश रहिए, सब लोग हेल्दी रहे।